अस्सलामुअलैकुम गाइस, डेली कुकिंग के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मेहरबाना। और आज हम बनाने वाले हैं गोभी गोभी चिकन। गोभी आलू ये आधा किलो चिकन, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्ची 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और पिसा धनिया आधा चम्मच। और इसके लिए हमने ली 2 अदद प्याज, प्याज काट दी। अब हम इसमें जो है ना तेल डालेंगे। तो गाइस प्याज हमारे हो गए हैं ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, नमक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। अब इसको हम भून लेंगे, टमाटर गला लेंगे टमाटर को गलने तक। अब इसको टमाटर के नरम होने तक पकाएंगे। जब ये देखिए मसाला हमारा भून गया, मसाला हमारा भून गया, उसके बाद हम इसमें जो है ना चिकन डालेंगे। चिकन डालेंगे फिर इसके साथ हम देंगे। अब इसके साथ इसको 5 मिनट तक भूनेंगे और पकाएंगे, जब तक ये चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता। और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा इसमें। ये आधा किलो से ज़्यादा चिकन है। पक रही है, इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट तक। अब इसमें मैंने जीरा डालना भूल गई थी, वो हम अभी इसमें जीरा डाल देंगे। अब इसको हम भूनेंगे, 3 मिनट तक भूनेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह चिकन भून भी रहा है और अपना कलर भी चेंज हो रहा है इसका, और तेल भी छोड़ रही है। बाकी इसको अच्छी तरह भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी और आलू दोनों चीज़ें देखें काट के भी भून के रख दिए थे। पहले इसको भून लें अच्छे तरीके से। भुनाई में भी अक्सर गोश्त गल जाता है, अगर नहीं भी गलता तो फिर जो है ना जब सब्ज़ी डालेंगे उसके साथ गल जाएगा। उस पानी डालने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर आपको महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आधा कप इसमें। वैसे तो प्याज टमाटर वगैरह भून चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो वो भूनने के दौरान ही पक जाता है। और बिल्कुल हम ये अपना देसी तरीके से ही खाना बनाते हैं, जो रूटीन में नॉर्मल घरों में पकता है उसी तरीके से ही पकाएंगे। ना कोई मसाला ज़्यादा डालेंगे इसमें, ना कुछ और। और इतना अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जायके वाला बनता है और बहुत अच्छा बनता है। देखिए बिल्कुल देसी तरीके से, कुछ भी इसमें नहीं डालना, घर के मसाले होते हैं और घर की चीज़ें सारी। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल भून चुका है इसमें। अभी मुझे जो बोनलेस चिकन होती है वो तो जल्दी गल जाती है, हड्डी वाली थोड़ा लग रहा है कि ये कच्ची है, तो मैं इसमें जो है ना 1 कप पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए हल्का सा पानी डाला, बाकी ये जो है ना अभी पक गया। अभी इसको जो है ना 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं, फिर हम इसमें गोभी डालेंगे। अब जो है ना
गोश्त पूरा गल चुका है। अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको ढक के पकने के लिए छोड़ेंगे हल्की आंच पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं गोभी को पकने में। ये देखें गोभी हमारी मिक्स हो गई है। अब हम इसको जो है ना ढक के पकने छोड़ेंगे। देखें मीडियम हल्की आंच पे, हल्की आंच पे पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये जो है ना गोभी अपना पानी छोड़ती है। अभी सीज़न है ना, मौसम है, इसीलिए गोभी अपना बिस्मिल्लाह अपना पानी छोड़ती है। जब तक ये अपने पानी में ही गल रही है, मैंने इसके अंदर कोई भी पानी नहीं डाला। और तकरीबन तकरीबन ये पकने वाली है, ये बिल्कुल गल चुकी है। हम आलू को देख लेते हैं। आलू को देख लेते हैं, आलू गला है कि नहीं। आलू भी गल चुका है, ये देखिए। आलू पूरा गल चुका है। चम्मच से भी मैं काट के दिखा देती हूँ, ये देखिए आलू भी गल चुका है। अब हम इसकी आँच तेज़ कर देंगे, जल्दी से इसको खुश कर लेते हैं। ये पूरा तैयार हो चुका है हमारा गोभी गोल। ये देखिए माशाल्लाह ये पक गया और इसका तेल बिल्कुल गोभी का निकल आया। ये हमने थोड़ा ताल की आँच पे ना, अभी हमारा सालन पूरा बिल्कुल गोभी चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची। और इसको जो है ना हम ढक देंगे और 2 मिनट का दम देंगे। पूरा माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया, चूल्हा बंद कर दिया मैंने। मान रही हूँ, देखिए माशाल्लाह दम आ गया। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर गोभी चिकन का आया है। ये हमारी गोभी बिल्कुल तैयार हो गई, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो हम इसको प्लेट में, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी गोभी लग रही है, प्लेट में निकाल। ये देखिए माशाल्लाह हमारा गोभी गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए सही है, अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलेंगे कोई नई डिश के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।